हेलो स्टूडेंट्स, टुडे इज 23 अप्रैल 2020 एंड दिस लेक्चर इज़ फॉर प्लस वन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल क्लास। लास्ट दो लेक्चर्स के अपन ने काफ़ी सॉल्व कर लिया सी एलिमेंट्स की होंगे या कंपाउंड्स की होंगे ने, इस अलावा मैटर की है, मैटर की किस तरह आप क्लासीफिकेशन कर सकते हैं, जो भी आप सारा कुछ स्टडी कर लिया सी। अज आप स्टडी करेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आप ये बारे डिटेल्स पढ़ा, ठीक है? तो आप जो पढ़िया एलीमेंट की होंगे, एलीमेंट पढ़िया सी, तो एलीमेंट से आप की क्या सी, स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। तो आप बोलिया सी कि जो एलीमेंट है वो स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म है मैटर भी, ठीक है जी, स्मॉलेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। होर आप की कह सकते हैं, एलीमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एलीमेंट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मीन्स जिहड़ा एलीमेंट होएगा वो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स तो कंबाइन होके जां कह लो जुड़ के बने होएगा, ठीक है जी। मीनस एलीमेंट जिहड़ा हैगा उहदे विच इक्को तरह के पार्टिकल्स होंगे। दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। सो एलीमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट की होगी एटम्स, मीनस काफ़ी सारे एटम्स जुड़ते हैं एक एलीमेंट बन जाता है, उन्होंने आप एलीमेंट बोल दें। प्योरेस्ट है तो स्मॉलेस्ट फॉर्म है। मीनस एलीमेंट अगर आप क्लासीफाई करिए, एलीमेंट में अगर आप तोड़ वंड के देखिए तो अपनी गल रुक जाती है एटम से। एटम्स एलीमेंट फॉर्म करते हैं, ठीक है। एलीमेंट की स्मॉलेस्ट यूनिट की है एटम। नाउ एटम नूं होर किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलीमेंट, एटम इज़ ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलीमेंट विच मे और मे नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है, विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मीन्स यदा मतलब की है, एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल जी फ्रीली ज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मीन्स जो फ्री रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। फॉर एग्जाम्पल अपने को हीलियम एटम्स ने, मीन्स अपने को काफ़ी सारे हीलियम्स एटम आप कलैक्ट कर लिये कि बन गया हीलियम एलीमेंट बन गया। हीलियम के उद्देश एटम्स प्रेजेंट ने, वो हीलियम के एटम्स फ्रीली एग्जिस्ट कर सकते हैं। इतने हीलियम का एक एटम है, हीलियम का एक एटम, हीलियम हीलियम, इट मीनस ये फ्रीली एग्जिस्टेंस जी हैगी इन्हें पॉसिबल हैगी, फ्री एग्जिस्ट करते हैं कंबाइन नहीं किए हुए। सेम ही अपने को हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की तो बनी हुआ, हाइड्रोजन एटम्स तो, बट ये हाइड्रोजन एटम्स इतने फ्री नहीं रह सकते। मीनस एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम नाल कंबाइन करके एच टू फॉर्म कर देता, हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर देता। क्लीयर, समझ लगी? मीनस जेडे एटम्स ने स्मॉलेस्ट फॉर्म है एलीमेंट की जिदी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हीलियम दे केस दे विच जेडे हीलियम दे एटम्स ने वो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन जेडे हाइड्रोजन दे एटम्स ने वो कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन ते हाइड्रोजन आपस में मिलके एच टू नाल दी नाल फॉर्म कर देंगे ने, मीनस यह डायाटोमिक फॉर्म दे विच गैस जी हैगी एग्जिस्ट करती है, यह मोनोटोमिक फॉर्म दे विच गैस एग्जिस्ट करती है। तो अपने पढ़िया एलीमेंट, एलीमेंट की समॉलेस्ट यूनिट की है एटम्स, एटम्स की ने समॉलेस्ट पार्टिकल ने एलीमेंट दे जिन्हां दी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लीयर, एलीमेंट एटम, क्लीयर होया? नैक्सट नैक्सट इज मॉलिक्यूल, नैक्सट इज ए मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल नूं आपां डिफाइन करदे हां, उस तों पहले आपां गल करांगे कंपाउंड की। आपां ने पढ़िया सी जिहड़ा कंपाउंड है, कंपाउंड की है, टू और मोर एलीमेंट्स कंबाइन करदे ने फिक्स प्रपोर्शन दे विच टू फॉर्म कंपाउंड, ठीक है, टू फॉर्म कंपाउंड। नाउ कंपाउंड भी जिहड़ी प्योरेस्ट फॉर्म है,
मैटर दी। अगर आप देखिए जेडे कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट देखिए वो की होंगे ने मॉलीक्यूल्स। कंपाउंड की स्मॉलेस्ट यूनिट की है मॉलीक्यूल्स, मीन्स काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स नो अगर आप कलैक्टिवली इकट्ठे कर लिए तो बन जाता है कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल अपने को कार्बन डाइऑक्साइड के काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स ने, ठीक है, इन्हों आप कलैक्ट कर लिया तो काफ़ी क्वांटिटी दे जी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई अपने को, आप कंपाउंड बोल देंगे। अगर आप एक यूनिट में बोलना तो एक यूनिट में आप बोलेंगे मॉलीक्यूल, ठीक है जी। मॉलीक्यूल काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स में कलैक्टिवली की बोलते हैं कंपाउंड, मीन्स कंपाउंड की स्मॉलेस्ट फॉर्म की है मॉलीक्यूल। क्लियर, मॉलीक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड, एटम इज ए स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट। क्लियर, मॉलीक्यूल्स नूं होर ढंग नाल भी आप डिफाइन कर सकते हैं। मॉलीक्यूल्स की ने, मॉलीक्यूल्स की ने दो या दो तो ज़्यादा एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं फिक्स रेशियो के, मॉलीक्यूल बन जाता है, ठीक है। इदा भी डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ इदा डिफाइन कर सकते हैं कि मॉलीक्यूल स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड दी जिहड़ा हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करता है, जिहड़ा हमेशा इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, हमेशा इहदी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होएगी, एक दूसरे से डिपेंड नहीं करेगा। जिवें आपां ने कार्बन डाइऑक्साइड की गल की, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलीक्यूल हमेशा इंडिपेंडेंटली बिहेव करते हैं, ये मॉलीक्यूल लग गया, ये मॉलीक्यूल लग गया, ये मॉलीक्यूल लग गया, इंडिपेंडेंट ने एक दूसरे को, डिपेंड नहीं करते। इट मीनस इनू आप बोल देंगे एक मॉलीक्यूल बोल देंगे। सेम ही वाटर है, वाटर के काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स ने अपने को, मीनस जेडे मॉलीक्यूल्स ने ये हमेशा फ्रीली एग्जिस्ट करेंगे, हमेशा इन्हों की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होएगी। क्लियर, तो इन्हों आप बोलता मॉलीक्यूल्स। मॉलीक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, मॉलीक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स केड़े केड़े ने, होमोटॉमिक, होमो अटोमिक, दूसरा हैगा हेट्रो अटोमिक। होमोटॉमिक एंड हेट्रो अटोमिक मॉलिक्यूल्स ना। होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, होमो मीन्स सेम। अगर कोई मॉलिक्यूल इक्को तरह के एटम्स तो कंबाइन होकर बनया हुआ है तो उन्होंने आप बोल देंगे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। की चीज़ है, अगर कोई मॉलिक्यूल इक्को जे एटम्स तो जुड़ के बनया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एच टू है, ओ टू है, एन टू है। एच टू के हाइड्रोजन ने एटम्स ने, ऑक्सीजन के ओ टू के एटम्स ने, नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के एट, मीनस इक्को तरह के एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, मॉलीक्यूल फॉर्म करते हैं, उस मॉलीक्यूल को आप बोलता होमोटॉमिक मॉलीक्यूल। बट हेटरो के, हेटरो मीनस डिफरेंट, अगर अपने को टू और मोर दैन टू एटम्स, डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं तो उन्होंने आप बोल देंगे हिट्रोटॉमिक मॉलीक्यूल्स। फॉर एग्जाम्पल सी ओ टू है, सी ओ टू के कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके सी ओ टू फॉर्म करते हैं। सेम ही वाटर है, वाटर की है एच एंड ओ आपस में कंबाइन करते हैं टू फॉर्म हिट्रोटॉमिक मॉलीक्यूल। मीन्स ये की ने, जोड़े एटम्स ने डिफरेंट ने, एक तो ज़्यादा तरह के ने, ये की है सिर्फ इक्को तरह के ने, ये एक तो ज़्यादा तरह के जोड़े एटम्स ने वो कंबाइन करके मॉलीक्यूल फॉर्म कर रहे हैं। इट मीनस ये हो गया हिट्रोटॉमिक मॉलीक्यूल, ये हो गया होमोटॉमिक मॉलीक्यूल। तो मॉलीक्यूल्स दो तरह के होंगे ने, होमोटॉमिक एंड हिट्रोटॉमिक। होमोटॉमिक कि हो गए, जोड़े इक्को तरह के एटम्स तो मिलकर बनते हैं, हिट्रोटॉमिक जोड़े एक तो ज़्यादा तरह के एटम्स तो मिलकर बनते हैं। क्लीयर, मॉलीक्यूल बन गया, काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स में कलैक्टिवली की बोलेंगे आप कंपाउंड, ठीक है। काफ़ी सारे जिमें फॉर एग्जाम्पल आप बोलते कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ये एक मॉलीक्यूल है। अगर ये काफ़ी सारे मॉलीक्यूल्स में कलैक्टिवली आप बोलना हो तो आप बोलेंगे कॉपर सल्फेट कंपाउंड है, मीनस कॉपर सल्फेट 10 ग्राम ले लिया या अपने को 20 ग्राम ले लिया, जिन्ना भी है। अगर आप क्वांटिटी में देखना है तो उन्होंने की बोलेंगे आप उत्थे बोलेंगे कॉपर सल्फेट कंपाउंड। अगर आप सिर्फ एक मॉलीक्यूल नाल एक यूनिट नाल डील करते हैं आप बोलेंगे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट मॉलीक्यूल। क्लीयर, एलीमेंट एटम कंपाउंड मॉलीक्यूल, ये चारों टर्म्स ने जिन्हां दे विच ज़्यादातर कन्फ्यूजन हुंदी है, तो मैं स्टार्टिंग दे विच ताइयों दसे आ ताकि अगे जाके तुहानूं कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है जी। एलीमेंट एटम नाल डील करता है, कंपाउंड मॉलीक्यूल नाल डील करता।
एटम्स मॉलिक्यूल ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ? ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਥਿਓਰੀਟੀਕਲੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰੀਏ ਬਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਜਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਾ ਪਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਔਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪ ਇਹ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦਾ ਕਲਰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਡਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਮੈਲ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਸਮੈਲ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨਹੀਂ ਲੋਸ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੋਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੋ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮਾਲੀਕਿਊਲ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਟਰ ਮਾਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਜਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਿਡ ਹੈ, HCl ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਸਿਡਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੋਸ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ pH ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ pH ਵੈਲਿਊ ਹੈ pH ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ H+ ਆਇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਅਗਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੋਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ, ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ? ਐਸਿਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬੇਸਿਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੰਬਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਬਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਬਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਜਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਉੱਥੇ ਲੋਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਲੋਸ ਕਰ ਲਈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਰਬਨ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਕੜ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਨੋ, ਨੋਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ। ਅਗਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆ ਗਈ ਐਸਿਡਿਟੀ, ਬੇਸਿਸਿਟੀ, ਕੰਬਸਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਲਰ, ਓਡਰ, ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੋਇਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਡ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼।